कैसा महसूस कर रहे हैं और ये जो सम्मान मिल रहा है आपको उस पर क्या प्रतिक्रिया होगी? देखो, समाज तो मिलते हैं, बार बार मिलते हैं, कोई पहली दफे मिलते हैं ऐसा तो है ही नहीं। आज जो कार्यक्रम है वो तो जो शादियाँ होती है, ये बसंत ऋतु है, बहुत ही शादियाँ इन दिनों में होती है, तो एक समूह शादी यानी साथ में सब मिलकर के एक जगह पर शादियों का आयोजन होता है, ऐसे ही आज सूरत में कार्यक्रम है। वो कार्यक्रम के अंदर भाग लेने के लिए मैं आज आई सूरत में आया हूँ और समाज को मिलूँगा, शादी में भाग लूँगा, समूह है, सब शादियाँ होती है। सर, कुछ दिन पहले आपका एक बयान आया था कि लेवा पाटीदार पिछले 10 साल से त्रस्त है। जरा पास में आइए, पास में। कुछ दिन पहले एक सभा में आपने कहा था कि जो आपके समाज के लोग हैं वो काफी 10 सालों से त्रस्त हैं, ये इशारा किसकी ओर था? तो समाज के लोग त्रस्त हैं, दुखी हैं, त्रस्त है। समाज के लोग भयभीत है, समाज के लोग, पूरे गुजरात के लोग भयभीत है, ये इसमें न कहा था, या फिर ऐसा बस इसमें से समझ लीजिए, और कुछ कहना नहीं। सर, अभी अरुण जेटली जी ने एक बयान दिया है कि नहीं, वो नहीं, जवाब तो मैं नहीं। अच्छा, 2012 का चुनाव आ रहा है सर, तो किस तरह की भूमिका में रहेंगे? चुनाव की बात तो पहले नहीं, ये तो सामाजिक काम है, वो चुनाव बनाव की बात तो और लोगों को पूछे, मेरे पर जिम्मेवारी तो नहीं है, तो जो जिम्मेवार है उसको पूछेंगे तो वो जवाब मिलेगा आपको। पाटीदार समाज की ओर से आपका क्या है? हाँ, पाटीदार समाज सामाजिक रूप से बलवत्तर हो, मजबूत हो, आर्थिक रीते, सामाजिक रीते, शैक्षणिक रीति से, तो ये मेरा काम है, वो करना मैं कर रहा हूँ। ओके सर, 2012 की किस भूमिका में दिखेंगे आप ऐसा? वो जो पॉलिटिकल नहीं, ठीक, ओके मैं ना